हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल एंड मिसिंग मी। आज क्या बढ़िया वेदर था। आई लिटरली मिस माय फ्रेंड्स। वो चाय, वो पकोड़े, वो मस्ती, वो घूमना फिरना। बट एवरीबडी इज हेल्पलेस। सभी तो घर पे है, क्या करे? लेकिन क्या करे, घर पे तो रहना ही होगा ना, एक्सेप्ट तो करना ही होगा ना। एक्सेप्ट? हाँ, चलो आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं। क्यों ना आज की बात एक्सेप्टेंस पे हो जाए। अभी फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है, एवरीबडी इज हैविंग सो मैनी डाउट्स एंड सो मैनी क्वेरीज। लिटरली एवरीबडी इज कंफ्यूज, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हाट विल बी देयर फ्यूचर, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। बट देन माय गुरु टोल्ड मी, मेरे गुरु ने मुझे समझाया, इस आइसोलेशन में ही एक सोल्यूशन है, इस एडवर्सिटी में ही अपॉर्चुनिटी है, इस संकट में ही एक संधि है और एक मुसीबत में ही एक बात है। तो चलो इस पे थोड़ा सा हम सोचते हैं। अगर हम इस सिचुएशन को, इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करते हैं, उस पे कुछ सोचते हैं, समझते हैं, तो ये प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी सिचुएशन को, किसी भी प्रॉब्लम से अगर हम मन चुराएंगे, जी चुराएंगे, उससे दूर भागेंगे, तो वो एक फियर बन जाएगा, वो प्रॉब्लम और बड़ा हो जाएगा। बिकॉज एवरीबडी नोज एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। सो इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम को, कोई भी सिचुएशन को हम एक्सेप्ट करें, उस पर सोचे, उसको समझे, तो वो प्रॉब्लम एक चैलेंज बन जाएगा। चैलेंज बन जाएगा तो वो एक इंस्पिरेशन भी बन जाएगा। एक्चुअली नॉन एक्सेप्टेंस से बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होते हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस से बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट होते हैं। तो क्यों ना सिचुएशन को, प्रॉब्लम्स को हम एक्सेप्ट करें। और आप ही देखिए ना, अभी जो फिलहाल पीरियड चल रहा है, देखा जाए सोचा जाए तो हम थोड़े स्ट्रांग बन रहे हैं, सपोर्टिव बन रहे हैं, सेंसिबल बन रहे हैं, डिसिप्लिन भी बन रहे हैं। मशीन बन गए थे हम, कितना भाग रहे थे, अभी तो रुके हैं, अभी तो घर वापस आए हैं, अभी तो रिश्तों को समझा है, शायद अभी अभी इंसानियत को भी समझने लगे हैं, और शायद इंसान भी सही मायने में बन रहे हैं। तो क्यों ना इस स्पिरिट को एक्सेप्ट कर ले, एंड लेट्स मेक अ बेटर वर्जन ऑफ आवर्स।